दोस्तों अवाम इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.awaminindia.tk पर अपनी खबर की अपडेट देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दिराज लक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वैन को चांदपोल अनाज मंडी पर रोका पुलिस वालों ने, जबकि वैन में 1 करोड़ रुपये की रकम मौजूद थी। बैंक की कैशियर व स्टाफ वैन में और इस ड्राइवर को उतार कर वैन को जब्त करने की कोशिश की गई, जबकि स्टाफ ने पुलिस कर्मियों को बता दिया था कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अनाज मंडी में कैश जमा कराने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस कर्मियों ने कुछ नहीं सुना और बैंक के CEO मोहम्मद इकबाल खान को जब सूचना मिली, उन्होंने फौरन पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को फ़ोन लगाया, मगर शायद कमिश्नर अपनी व्यवस्था के कारण फ़ोन नहीं उठा पाए। कंट्रोल रूम में जब सूचना दी गई तो जितेंद्र ने उनकी बात सुनकर सूचना वायरलेस पर पहुंचाई। बैंक की वैन को रोका नहीं जा सकता है। फौरन संजय सर्किल थाना अधिकारी नंद किशोर मौके पर पहुंचे और उन्होंने बैंक की वैन को जाने देने को कहा। जब जाकर बैंक की वैन और स्टाफ ने जाकर वहाँ पर रकम जमा कराई, सवाल उठता है कि जब आदेश जारी है कि बैंक खुले रहेंगे और उनके कार्य में कोई रुकावट नहीं करेगा, मगर मौजूदा पुलिस कर्मी इस सूचना से अनभिज्ञ कैसे रह सकते हैं, जबकि वो पूरी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। यदि उस समय 1 करोड़ रुपए का मामला इधर उधर होता तो इसका जवाबदेही कौन होता? पुलिस प्रशासन या बैंक? ऐसी स्थिति में लापरवाही देखने को मिली। उसके बाद में ACP अशोक चौहान ने बैंक के 11 लोगों के पास जारी किए। इकबाल खान, दिरालची महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक CEO। घटनाक्रम ये था कि 6 तारीख को महावीर जयंती थी और बैंकों के अंदर ट्रांजैक्शन बंद थे और NPCI के सिर्फ रिटर्न आने थे और जो गवर्नमेंट के चेक होते हैं वो आते हैं, और 7 तारीख को काफ़ी केस इकट्ठा हो गया था। चूँकि हमारे यहाँ जो राजस्थान सरकार की सरस डेयरी दूध डेयरी के डिस्ट्रीब्यूटरों के खाते हैं, जिनके अंदर डेली इस कर्फ्यूग्रस्त एरियो में भी और पूरे जितना भी लॉकडाउन है जयपुर शहर के अंदर, सभी के अंदर जयपुर डेयरी सरस डेयरी के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके द्वारा दूध की सप्लाई की जाती है और बाद में उसके वो कलेक्शन करते हैं और उनके पास बने हैं, और उनके अलावा हमारे बैंक में कोई भी नहीं आता और उनके आने पर भी काफ़ी उनके साथ जो भी सिक्योरिटी होती है वो सारी चेक की जाती है और उनको जो भी उपलब्ध कराने होते हैं दस्ताने उपलब्ध कराने के बाद कस्टमरों को और जो भी हमारी कैशियर है स्टाफ है सबको दस्ताने उपलब्ध कराया था। उस दिन हमारा केस 1.25 करोड़ के आसपास हो गया था और जयपुर सेंटर कोऑपरेटिव बैंक जो वैशाली में मुख्य शाखा है उनके द्वारा ये कहा गया कि 70 लाख रुपये आप अनाज मंडी में चांदपोल में जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में भिजवा दें, और 30 लाख हमारा जमा होना था IDBI में। तो जो बैंक की गाड़ी थी उसमें कैशियर थी, निशा थी, ललिता शर्मा थी और ड्राइवर था। जब वो चांदपोल गेट के बाहर गए तो कुछ पुलिस कर्मियों ने उनको रोका, चूँकि उसके अंदर 1 करोड़ रुपये था। काफ़ी देर तक रोकने के बाद भी उनकी गाड़ी को अलाउ नहीं किया, उन लोगों ने मेरे को सूचना दी। मेरे द्वारा पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया गया, हो सकता है वो राजकार्य में व्यस्त हो, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद कंट्रोल रूम में फ़ोन किया गया, कंट्रोल रूम में जितेंद्र मीणा जी ने काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने वायरलेस पे मैसेज जारी किए कि राजलक्ष्मी महिला बैंक की गाड़ी के अंदर 1 करोड़ रुपये है और जिसको रोका जाना गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने आदेश जारी किए थे कि जरूरी सेवाओं में बैंक और ATM भी रहेगा और बैंक खुलने इसकी राज्य सरकार को भी जानकारी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा शायद है ना पुलिस के अंदर नीचे के अधिकारियों को सूचना नहीं दी गई थी और उस दिन काफ़ी 4 दीवारी में काफ़ी सील का माहौल था, इसलिए 18-18 घंटे ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो हो जाता है कभी कभी। उसके बाद कंट्रोल रूम से वायरल होने के बाद उनको वायरलेस से मैसेज किया गया। उसके बाद संजय सर्किल थाना इंचार्ज नंदलाल जी मौके पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने हमारी गाड़ी को रवाना किया। आगे किस तरीके की आपके बैंक को? उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ऊपर उच्च अधिकारियों से बात की कि अगर इस तरीके से मान लो केस की कुछ घटना घट जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा। सरकार को, भारत सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे जिसकी पालना में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 24 मार्च को सभी को सर्कुलर जारी कर दिया था
और जिसकी जानकारी सभी पुलिस विभाग के लोगों को है, सरकार को भी है। उसके बाद हमने जो थाना माणक चौक के इंचार्ज साहब से बात की, उन्होंने भी कॉपरेट किया। उसके बाद एडिशनल एसपी सुमित जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि एसीपी अशोक चौहान साहब पास बना देंगे, क्योंकि बैंक के आईडी भी हैं, भारत सरकार के आदेश भी हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी एसीपी अशोक चौहान साहब ने बैंक को कॉपरेट किया और हमने जो उनको पत्र लिखा था उसी पत्र पे उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को स्वीकृति प्रदान की। अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत।